डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को राज इंटर कॉलेज बायोलॉजी की क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल मैंने आपको जो है कि बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, जूलॉजी, बॉटनी और जो है कि बायोलॉजी, ये शब्द कैसे बने हैं, उनका डिफिनीशन क्या है, उनकी जो है कि फादर कौन है, इन सब के बारे में मैंने आपको कल चर्चा किया था। आज जो है इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट पढ़ाने चल रहा हूं। इंट्रोडक्शन पार्ट दूसरा पार्ट है, यानी कि भाग दो है। ठीक, आज हम देखेंगे जो है कि बायोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं, जिसमें से उस शाखाओं के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है। इसलिए मैं इसमें यहां पर लिख दूं सम इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है बेटा, कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी शाखाएं हैं बायोलॉजी की कुछ शाखाएं इम्पॉर्टेंट हैं, उन ब्रांचेस के नाम मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ जिसके अंदर क्या अध्ययन किया जाता है। जिसे बेटा कभी कभी कहते हैं स्टडी ऑफ सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, उसको हम पहले ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी माने होता क्या है, माइक्रोबायोलॉजी माने होता सूक्ष्म जीव विज्ञान का होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम यह इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं, जिस शाखा के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसी के जस्ट बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है जब हम फंगी का, स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। क्या बेटा डिफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है बेटा, अब यहीं पर आपको फियोलॉजी भी पढ़ाते हैं, फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवाल का अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी ये तीसरा ब्रांच है फाइकोलॉजी, इसको हम कहते हैं शैवाल विज्ञान, क्या कहते हैं शैवाल विज्ञान हिंदी में बोलते हैं। शैवाल विज्ञान और इसको हिंदी में कहते हैं कवक विज्ञान। सॉरी, ये बायोलॉजी नहीं बल्कि माइकोलॉजी होगा। ठीक, ये क्या होगा, माइकोलॉजी माने कवक विज्ञान। अब माइक्रोलॉजी माने क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी माने क्या, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कवक विज्ञान, शैवाल विज्ञान। यहीं पर तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे वायरोलॉजी, क्या होता है वायरोलॉजी,
क्या है, यानी कि चौथा पॉइंट क्या है, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी बेटा, वायरोलॉजी माने क्या होता है, आप देख रहे हो वायरो यानी कि वायरस, वायरस का अध्ययन कहलाता है क्या, वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं वायरस विज्ञान। क्या वायरस यानी कि विषाणु विज्ञान भी हिंदी में बोलते हैं विषाणु। विषाणु विषाणु विज्ञान विषाणु विज्ञान ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी है, माइकोलॉजी है, फिकोलॉजी है और वायरोलॉजी है। ठीक है बेटा, पी एच वाई सी ओ होगा ये सी ओ, फिकोलॉजी सबके बारे में हमने आपको बताया। माइक्रोबायोलॉजी माने होता है सूक्ष्म विज्ञान, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल क्या, अभी वैसे तो हम देखते हैं लोग बताते हैं क्या बायोलॉजी जो होता है, यहाँ पर एक नज़र देख लीजिए, बायोलॉजी जो बायोलॉजी है इसे तीन भागों में मुख्यतः बांट देते हैं। और पहला पार्ट है जूलॉजी जो मैं आपको कल बताया था, दूसरा पार्ट है बॉटनी बॉटनी, और यहाँ पर ये आपका माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, ये माइक्रोबायोलॉजी है। इस माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और माइकोलॉजी माने क्या होता है, माइकोलॉजी माने विज्ञान कवक विज्ञान होता है। यहाँ पर मैंने डिफिनेशन भी लिख रखा है, स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। अर्थात कहने का मतलब कवक का अध्ययन करना, कवक का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। फिर विकोलॉजी क्या है, फिकोलॉजी माने शैवाल होता है, क्या होता है शैवाल एल्गा, यानी कि स्टडी ऑफ एल्गा इज कॉल्ड क्या, फिकोलॉजी यानी कि शैवाल विज्ञान, शैवाल का अध्ययन करना कहलाता है शैवाल विज्ञान। ठीक उसी तरह विषाणुओं का अध्ययन करना कहलाता है वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। यहीं पर एक हम आपको बताते हैं अगला ब्रांचेस है, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया माने क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया माने होता है जीवाणु। क्या होता है, जीवाणु। इसलिए हम इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम क्या देंगे, जीवाणु, जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान। ठीक है, और यहीं पर हम बात कर लें, अगर मैं छठवें की बात कर लें, इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी माने होता है भ्रूण विज्ञान। क्या होता है, भ्रूण विज्ञान। ठीक है, भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान जिसमें हम भ्रूण का अध्ययन करते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये भ्रूण क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ समझने के लिए, बता भी दे रहा हूँ कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, और एम्ब्रियो माने होता है भ्रूण, और यही भ्रूण आगे चलकर बदल जाता है जाइगोट में। किस में बेटा, जाइगोट में। ठीक, जाइगोट, जाइगोट माने क्या होता है, जाइगोट माने क्या होता है बेटा, भ्रूण।
ठीक। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा जायकोट क्या चीज़ है, उसके बारे में मान बोलेंगे। ये आपको इसके ब्रांच के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक हो गया। चलिए इसको साइड स्क्रीन ले लें, इसके बारे में हम और आगे चर्चा करते हैं क्या क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता है, ठीक रख कर दें। चलिए यहीं पर मैं आपको बायोलॉजी की किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं उसको हम जान लें। जब तक छोटी छोटी बातों को नहीं जानेंगे हमें दिक्कत करेगा पढ़ने में, ठीक है, हमें दिक्कत करेगा पढ़ने में। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ाते हैं आपको यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ठीक, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? यूनिसेलुलर माने होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकी। मल्टी सेलुलर माने होता है बहु कोशिकीय मतलब समझिए इसका मतलब है क्या, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या है। ऐसे जीव जो केवल एक शरीर का बना होता है और उनकी जीवन की प्रक्रियाएं उसी एक सेल में होती हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं एक कोशिकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक कोशिकी कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अमीबा नाम सुने होंगे आप लोग, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम ठीक, हाइड्रा वगैरह भी, सैवाल हो गया, बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, आर्किबैक्टीरिया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय होते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिकाओं का बना होता है उसे मैं एक कोशिकीय जीव कहता हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता के रखा है, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, सैवाल, ये सब क्या होते हैं? अमीबा एक कोशिकाओं का बना होता है, उसी एक कोशिका के अंदर जो है जीवद्रम में जीवन की शैली चलती है। अब हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है? मल्टीसेलुलर का मतलब होता है मल्टीसेलुलर मतलब बहु कोशिकीय, यानी कि ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है उसे हम बहु कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? जटिल जीव। क्या? जटिल जीव में क्या आते हैं? मतलब जटिल जीव का मतलब क्या है? जैसे पादप और जंतु। अब पादप में पेड़ पौधे, आम के पेड़, नीम के पेड़, ये सब पादप हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लें हम नीम की बात कर लें, आम के पेड़ की बात कर लें, ठीक, ये सब क्या है? बबुल हो गया, ये सब क्या है? पादप होंगे। और जंतुओं की अगर हम यहाँ बात करें, इसका एग्जाम्पल मैं देखूँ आदमी, शेर, कुत्ता, ये सब क्या है? बहु कोशिकीय होते हैं ना,
यानी कि मनुष्य की बात करें, मनुष्य की बात कर लें, चीता की बात कर लें, ठीक है, ETC, ठीक, ETC आदि हैं ऐसे। अब हमारा जैसे मानव की, मनुष्य की बात कर लें, तो मनुष्य का शरीर जो होता है बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए मनुष्य क्या है, बहुकोशिकी है। क्या है? बहुकोशिकी है, ठीक। अच्छा आप बेटे हैं, आप समझ सकते हैं, आपने समझ रखा होगा, आप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आखिर है क्या, ठीक। नोट्स बेटा जरूर बनाए आप लोग, ठीक। आइए अब हम यहां पे पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, इसको मैं रफ कर देता हूं, समझ चुके होंगे आप लोग। और यही मैं बताऊंगा क्या यूकैरियोटिक सेल। चलिए ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले समझते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें केंद्रक, अब केंद्रक क्या होता है मैं फिगर बना के दिखाऊंगा, केंद्रक पूर्ण, सॉरी, केंद्रक अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, वो कौन सा सेल कहलाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा। और ये यूकैरियोटिक सेल क्या है? जिन सेलों में, जिसमें कहने का मतलब, जिन सेलों में केंद्रक, पूर्ण रूप से, विकसित होते हैं। क्या होते हैं? विकसित होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर केंद्रक को हमें समझाइए कैसे विकसित और कैसे अविकसित होता है। यहीं पर प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसको भी मैं बता दे रहा हूं। इसके अंतर्गत आते हैं कवक, आते हैं बैक्टीरिया, आएगा फंगी, और बैक्टीरिया, ठीक। ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। इन सब की सेलें क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं इसका एग्जांपल देख लें, तो यहां पे लिख सकते हैं ऑल ग्रीन प्लांट, या फिर ऑल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्लांट एंड एनिमल, ठीक, सभी जटिल पादप और जंतु की बात करें, और यहाँ पर फंगी और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, और जटिल पादप और एनिमल कहने जानवर की बात कर लें तो वो क्या होंगे? यूकैरियोटिक सेल है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ सर कैसे हो जाता है कि प्रोकैरियोट, आप कैसे पहचान लेते हैं कि यही प्रोकैरियोटिक सेल है और यही यूकैरियोटिक सेल है। तो हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहेंगे, हम फिगर के माध्यम से इसको समझाएंगे।
अंदर की तरफ एक लेयर और होता है, अंदर की तरफ एक लेयर और होता है ठीक। अब आप यहां पे जो देख रहे हैं ये क्रोमैटिन नेटवर्क, कहने का मतलब डीएनए पाया जा रहा है और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ इसमें कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, लेकिन इसमें केंद्रक अविकसित है। अविकसित, अगर विकसित होता तो इसके चारों तरफ एक लेयर लगे होते हैं, लेकिन इसमें लेयर नहीं दिख रहा है, मतलब केंद्रक अनुपस्थित है अर्थात अपूर्ण विकसित है। आप देखिए छूट चुका है, ठीक है ठीक। केंद्रक क्या है? अपूर्ण होता है, यानी केंद्रक क्या है? यहाँ पे अपूर्ण है। अब यहाँ पे आते हैं एनिमल और प्लांट्स में, छोटा समय यहाँ पे बना के समझ लेता हूँ। ये एनिमल सेल है, मान लीजिए क्या है, एनिमल सेल है, और यहीं पर बना दे रहा हूँ मैं छोटा सा, फिगर कैसे बन रहा है इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ये देखिए ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है ठीक। अब इसमें मैं केंद्रक बनाने चल रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे केंद्रक है, चलिए इसको समझिए। ऐसे ये क्या है? केंद्रक है, ठीक है। ये क्या है? केंद्रक है। ये पूरी संरचना को हम क्या बोलेंगे? अंदर की केंद्रक है ये, और ये जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ठीक। ये संरचना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस पोर कहलाता है, न्यूक्लियस पोर कहलाता है, यानी केंद्रक छिद्र कहलाता है। और ये जो होता है ईआर है, ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक उसी तरह का संरचना इसमें भी पाया जाता है। क्या है? केंद्रक इसमें भी उपस्थित होता है ठीक। तो आप यहाँ अब कंपेरिजन आप कर सकते हैं कौन प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन यूकैरियोटिक सेल है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जा रहा है, इसलिए यह सेल कौन सेल होगा? प्रोकैरियोटिक सेल होगा ठीक बेटा। और इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसलिए क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल। जैसे इसमें केंद्रक पाया जा रहा है उसी तरह इसमें भी केंद्रक पाया जाता है ठीक।
तो ये दोनों के दोनों कौन से सेल होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और ये सेल कौन सा सेल होगा? सॉरी, ये दोनों जो सेल होंगे वो यूकैरियोटिक सेल होंगे, और ये जो सेल दिख रहा है ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल होगा। ठीक है बेटा, ये रहा जो है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, और इसमें अंतर भी बहुत सारे होते हैं। इसमें कोशिका के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, इसमें कोशिका के कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें केवल 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें जबकि 70S 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें श्वसन के लिए माइटोकांड्रिया होता है, इसमें श्वसन के लिए मीजोसोम होता है। ये तमाम प्रकार के अंतर होते हैं, वो तो सिलेबस में पढ़ेंगे जब सेल चैप्टर पढ़ने लगेंगे तब। ठीक, तो आज जो है हमने आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट टू पढ़ाया। बायोलॉजी का जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन, आज तक समाप्त होगा, यहीं पर समाप्त हो जाता। अब जो है कि जब आप सिलेबस पढ़ेंगे उसमें पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जगह जगह पर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल मिलता रहेगा। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।